नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वैशाख महीने की पूर्णिमा की, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाखी पूर्णिमा की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन किन मंत्रों का जप करने से आपको लाभ हो सकता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके घर और मकान के लिए वास्तु टिप और सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम के 7:22 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:15 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 23 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बृहस्पति और शुक्र संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु और मंगल मीन राशि में और बुध संचरण कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं और इसी दिन श्री हरि ने कच्छप अवतार, कछुए का अवतार ग्रहण किया था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध को निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इस दिन आराधना करने से और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो शरीर के तमाम रोगों से आपको छुटकारा भी मिलता है। इस दिन शिवालयों में भगवान शिव को जलमग्न किया जाता है। जल का कलश ऐसे रखा जाता है कि उसमें से जल भगवान शिव के ऊपर निरंतर गिरता रहता है। यानी शिवालयों में
इसी दिन शिवलिंग को जलमग्न करने का आरंभ किया जाता है। वैशाखी पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करिए। धन के लेन देन में सावधानी रखिए। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान और ध्यान किस प्रकार करें। प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लें कि मैं आज भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी और आज स्नान और दान करूंगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें और इसके बाद मंत्रों का जप करें। मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का जैसे चावल, चीनी, दूध इसका दान करें और जल का दान करें। चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके आप उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा का उपवास रखें तो आप रात में चंद्रमा को भी अर्घ दीजिएगा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं।
वाहन सावधानी से चलाइएगा, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है, परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की रुकावट आपके दूर होगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा पर कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। देखिए, वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की और मन की समस्याएं आपकी दूर होंगी। वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की उपासना माता लक्ष्मी के साथ करिएगा, ऐसा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा। वैशाखी पूर्णिमा पर आप जल का दान करें, वृक्षों में जल डालें, लोगों को पानी पिलाएं, ऐसा करने से संकट कटेंगे और रोजगार में आपको लाभ होगा। वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप सफेद चीज का दान करते हैं, चावल का, चीनी का, दूध का, तो चंद्रमा संबंधी जो समस्याएं हैं, जो आपको मानसिक दिक्कतें चली आ रही हैं, वो तमाम मानसिक दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये तो रहा वैशाखी पूर्णिमा का महत्व। अब जब आप वैशाखी पूर्णिमा पर पूजा करेंगे तो किन मंत्रों का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। पहला चंद्रमा का मंत्र है, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र धन प्राप्ति का मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और चौथा महामंत्र है, जो पूर्णिमा के दिन अवश्य जपना चाहिए, वो मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो वैशाखी पूर्णिमा पर आप चंद्रमा के मंत्र का जप जरूर करें।
साथ में भगवान विष्णु का मंत्र या भगवान शिव के मंत्र का जप करना आपके लिए अनुकूल होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो कोशिश करें कि पूर्णिमा के व्रत पर केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें, जूस पी लें, फलों का रस पी लें, दूध पी लें, नींबू पानी पी लें, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें। बहुत दिक्कत होने पर फल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा केवल लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखें। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद भगवान शिव की या अपने इष्ट देव की पूजा करें। उसके बाद पुनः लिक्विड डाइट ले करके उसके बाद दिन का समापन करें। अगर इस विधि से केवल जलीय आहार लेकर के आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं या जो मानसिक रोग हैं, ये तमाम रोग, तमाम समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। जहां तक संभव हो घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करिए। बहुत सारे लोगों के घर में कांच का प्रयोग बहुत होता है, कांच के बर्तन, कांच की गिलास, कांच के टेबल, इनका प्रयोग कम करिए। नहीं तो ज़्यादा कांच की चीज़ों का प्रयोग करने से परिवार के रिश्ते सेंसिटिव हो जाते हैं, परिवार के रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं। अब जानते हैं दिनांक 23 मई 2024 बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 23 मई बृहस्पतिवार को प्रातः काल
भगवान को पीले फूल अर्पित करिए, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिए, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।